हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि टॉरस पीपल के लिए ये वीक कैसा रहेगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द टॉरस पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। ओके, फॉर ऑल द टॉरस पीपल, आप किसी के साथ इमेजिन करते हैं लाइफ, और मे बी हो सकता है कि यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग विद देम विद द ट्री ऑफ पेंटिकल्स, राइट। मे बी हो सकता है कि आप किसी के साथ, वो कहते हैं ना कि लाइक यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग विद समबडी। इट्स अबाउट लाइक आप इमेजिन करते हैं, राइट। वी हैव थ्री थ्री, आई जस्ट सॉ थ्री थ्री। सो हो सकता है कि आप कुछ लाइक बिल्डअप करना चाहते हैं। थ्री इज़ ऑल अबाउट लाइक वो कहते हैं ना कि इट्स क्रिएटिव, इट्स लाइक बिल्डिंग। सो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, इट्स अबाउट, इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। सो आप कुछ जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना चाहते हैं, बट यू आर लिटिल हार्ट ब्रोकन अबाउट समथिंग। कुछ है जो आपको लाइक इन दिस रिलेशनशिप आपको कुछ हो सकता है कि कुछ हर्ट कर रहा है। यू आर हार्ट ब्रोकन, अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं, बट आप विक्ट्री चाहते हैं किसी के साथ। वो द सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, मे बी किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो यू आर लाइक फोकस्ड ऑन दैट, यू आर लाइक डिटरमाइंड अबाउट दिस थिंग। ऑन द अदर हैंड, योर पर्सन इज लाइक दिस पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, दे आर लाइक इन अ हर्मिट मोड। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, बट मे बी दे आर टेकिंग टाइम, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। दे आर लाइक बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक अबाउट टेकिंग टाइम, एनालाइजिंग द सिचुएशन। ऑल दो दे थिंक अबाउट यू, ऑल दो विद अ नाइट ऑफ कप्स, लाइक दे थिंक अबाउट कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं बातें, बट दे आर एनालाइजिंग थिंग्स, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि मे बी हो सकता है कि दे हैव चॉइसेस इन लव दिस पर्सन। मे बी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके पास चॉइसेस हों। मे बी हो सकता है कि उनकी लाइफ में दे आर जगलिंग, कोई हो उनकी लाइफ में जो वापस आना चाहता हो या कुछ हो, एंड दे आर डीलिंग विद दैट। दे आर लाइक बेसिकली थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन। सो मे बी दिस पर्सन इज हैविंग चॉइसेस, बट मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे लाइक जैसे मैंने कहा कि आप बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप फोकस्ड है, यू आर लाइक पैशनेट अबाउट देम, बहुत ज़्यादा लाइक मे बी हो सकता है अट्रैक्टेड है आप उनकी तरफ, राइट। लेट्स पुल सम कार्ड्स। आप लोगों के बीच में सी इट्स अबाउट लाइक आप किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया विद द सिक्स ऑफ कप्स, राइट। बहुत ज़्यादा लाइक किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आप लोगों का जो लाइक जो बातें हैं या मे बी लाइक उनके बारे में आप सोचते रहते हैं या कुछ भी है, एंड रश इन करना चाहता है, कोई आना चाहता है, समबडी वॉन्ट्स टू टॉक, समबडी वॉन्ट्स टू लाइक रश इन। मे बी आप हैं, आपके पर्सन है, कोई है जो इस रिलेशनशिप में लाइक वो कहते हैं ना जंप इन, कोई चाहता है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, या कोई बात, समबडी वॉन्ट्स लाइक फ्यूरियस है कोई यहाँ पे, राइट। ऑन द अदर हैंड, समबडी इज लाइक टेन ऑफ वॉन्ट्स, इट्स लाइक अबाउट
it's about like burdened, it's about taking time. 10 is also a number of completion. But कोई यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइक जैसे कहते हैं ना कि आगे क्लियरली देख नहीं पा रहा, दिस पर्सन इज सो बर्डन. सो कोई यहाँ पे बर्डन फील कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही कि कोई क्या करे. मे बी हो सकता है आप ये आपके पर्सन हो, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली बर्डन. उनको नहीं कुछ कुछ आगे का दिखाई दे रहा, सो दे आर फीलिंग बर्डन अबाउट द सिचुएशन. पर समबडी इज लाइक समबडी वॉन्ट्स टू रश इन, समबडी वॉन्ट्स टू लाइक मेक थिंग्स करेक्ट. ओके, लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस. देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन. वी हैव 3-3 एंड वी हैव 6-6. सो मे बी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग सिंक्रोनिसिटी देखते हो या नंबर्स देखते हो. या ओके, सो मे बी हो सकता है एज आई टोल्ड यू वी हैव नंबर 7 and we have 10 again. So 10 and 10, it's a number of completion, it's a number of, maybe ho sakta hai aapka koi is person ke sath spiritual connection ho. Somebody is suppressing, maybe jaise ki maine aapko kaha aapke person ho sakte hai, aap ho sakte hai. Somebody is suppressing emotions, koi yahan pe like bahut zyada suppress kar raha hai. Again we have 10 of wands, 10 of wands, and this is also a 10 of wands again. राइट, 10-10. सो इट्स लाइक कम्प्लीशन, इट्स लाइक कुछ है आपकी लाइफ में. मे बी दिस रिलेशनशिप इज लाइक, मे बी हो सकता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन हो और आप लोग लाइक सोल लेवल पे कनेक्ट करते हो कुछ हो. सो एवरीथिंग यू नीड टू लाइक कीप पेशेंस. इट्स लाइक 7 of Pentacles, राइट. आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लाइक वो कहते हैं ना, यू नीड टू कीप पेशेंस. कई चीज़ें हमको डिवाइन टाइमिंग पे ही हमें पता चलता है. सो मे बी हो सकता है यूनिवर्स इज प्लेइंग सम लाइक, यहाँ पे यूनिवर्स इज प्लेइंग लाइक डिवाइन टाइमिंग का कोई रोल हो. सो हो सकता है यू नीड टू लाइक, आपके लिए यही मैसेजेस हैं टू कीप. मे बी हो सकता है आप लोगों के बीच में 5 of Wands, इट्स लाइक बेसिकली मे भी हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो लाइक फैमिली इश्यूज़ या कुछ भी बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं. सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि डोंट सप्रेस, राइट. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप बर्डन ले रहे हैं या योर पर्सन इज टेकिंग बर्डन कुछ है. सो चीज़ों को छोड़ दें, राइट. जब चीज़ें जो होनी है अगेन वो उसी टाइम पे होंगी आपके या किसी के कुछ लाइक वो कहते हैं ना, जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होना है. सो यू हैव टू लीव सम थिंग्स टू गॉड. या चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की. फॉर ऑल द टॉरस पीपल, आपका करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते? फॉर ऑल द टॉरस पीपल, ओके. सो ओवर बर्डन नहीं होना है, राइट. आप मे बी एज आई टोल्ड यू अगेन वी हैव 9 of Wands. सो मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा यू आर गेयर्ड अप फॉर समथिंग. आप बहुत ज़्यादा लाइक मे बी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों. फॉर ऑल द टॉरस पीपल हो सकता है इन वर्क फ्रंट आपके पास कुछ चॉइसेस हों. यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और हायर अथॉरिटी, यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम हायर अथॉरिटी. 5, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज एंड इट्स लाइक आपको कोई हेल्प मिल रही है, स्पिरिचुअल हेल्प मिल रही है, हायर अथॉरिटी से हेल्प मिल रही है. मे बी यू हैव टू चूज. सो आप अपने आप को लाइक वो कहते हैं ना कि डोंट बी लाइक यू आर गेयर्ड अप, यू आर डूइंग गुड. और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें, राइट. एवरीथिंग इज फ्लोइंग. मे बी आपको चॉइसेस हो आपके पास इन करियर ऑल्सो. It's like 9 is a number of like on the verge of change. You are on the verge of change. Good things are happening for you.
या यू आर हेडिंग टूवर्ड्स विक्ट्री विद द नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. सो डोंट लाइक वो कहते हैं ना कि ओवर एनालाइज ना करें और बर्डन ना लें, और यू आर गेयर्ड अप, आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में. और विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी इज ऑल्सो कमिंग, यू आर डूइंग गुड. और मे भी हो सकता है कि चेंज इन पोजिशन, एक्सक्यूज मी, या सो डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव. यू आर डूइंग गुड एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री, और आपको हायर अथॉरिटी की तरफ से भी हेल्प मिल रही है. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरस पीपल, आपके करियर के लिए. Again, we have number 10. It's a number of completion. So things are getting like aapki life mein aligned. इसका क्या मतलब हुआ? Like things are getting aligned for you. Line up हो रही है आपके लिए. It's a number of 10 of pentacles again. Money is also flowing in, right? So आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ज़्यादा over protective होने की ज़रूरत नहीं है. Over analyze करने की ज़रूरत नहीं है. Yes. मैंने कहा था ना, इट्स नाइन, डोंट सी, अगेन वी हैव नाइन नंबर और इट्स नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास दो बार है. तो आप बहुत ओवर एनालाइज ना करें चीज़ों को, ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना हो, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ऑल थिंग्स आर लाइक कमिंग टुगेदर. बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ओवर रन ना करें, जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव ना हो एट वर्क फ्रंट. या यू आर द क्रिएटर, सो आप जैसे चाहें आप अपनी लाइफ को वो कह सकते हैं ना ब्यूटिफुल शेप दे सकते हैं. यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. सो मेडिटेशन करें, यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, राइट? सो फील दैट थिंग. अगर आप जैसा फील करेंगे वैसा ही आप रिसीव करेंगे. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द टॉरस पीपल. आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आपका ये जो आने वाला वीक है बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहे और फ्रूटफुल रहे. और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.